NTAUGCNET यानी निमेजनेट डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमेजनेट प्रो पे। आज हमारे साथ है जगन्नाथ मेहर और इनका अभी यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाई हुआ है हिंदी सब्जेक्ट से। ये अपने साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर करेंगे कि किस तरह से इनको प्रॉब्लम आई थी और क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। जी स्वागत है सर आपका। जी सर धन्यवाद। हाँ जी, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप अपने दर्शकों को। सर मेरा नाम जगन्नाथ मेहर है और मेरा हिंदी सब्जेक्ट है और सर मैंने पहले 4 अटेम्प्ट में मेरा नेट भी नहीं हुआ था, लेकिन ये 5वां अटेम्प्ट था, इससे भी ज्यादा हो गया है। वेरी गुड सर। तो जो आप कब से तैयारी कर रहे हैं सर? सर मैं ठीक ठाक से 7 या 8 महीने पहले क्या हूँ, लेकिन उससे पहले ऐसे ही देने जाता था नेट एग्जाम। नहीं, फिर भी जैसे आप 4-5 अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, तो कौन सी साल से आपने तैयारी करना शुरू की थी? सर मैंने 19 से सर 2019 से। 2019 से जी, तो एक जैसे आपने कहा था कि 4-5 अटेम्प्ट दिए, आपका नेट भी क्वालिफाई नहीं हुआ, तो अब आपका जीआरएफ क्वालिफाई हो गया है, तो आपको सर क्या क्या कमी महसूस हुई थी जब पहले नहीं हो रहा था, तो क्या किस वजह से नहीं हो रहा था? सर पहले मेरा फर्स्ट पेपर में 16, 17, 15 ऐसे कुछ आता था, क्वेश्चन सही हो रहा था मेरा, लेकिन मैंने आपके चैनल के बारे में सुना, आपके नाम सुना, आपको कांटेक्ट किया और मैंने देखा कि आपकी मैराथन क्लास बहुत अच्छा है सर, तो मैंने पेड क्लास ज्वाइन किया और देखा कि नोट्स बहुत अच्छे थे और मैंने सारे के सारे बहुत मेहनत की और इस बार हो गया सर। यस सर, थैंक यू सर। तो एक जैसे अभी अपने साथ कल एक लड़की थी, वो बात कर रही थी, तो वो यही बोल रही थी कि बोले कि सर मेरे को ना 2017 से मैं तैयारी कर रही हूँ, मेरा नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, जीआरएफ नहीं हो रहा है। तो आप उन दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे भाई, आपकी कमी कहाँ रहती? क्या कई जैसे कहते कि हमारी तो किस्मत खराब है, ये है वो है, तो नहीं सर, किस्मत खराब नहीं है सर, हम पढ़ते नहीं है। तो हाँ ऐसी बात है, तो कहीं ना कहीं हम हमारे अंदर कमी रहती है, मेहनत की कमी सर। मेहनत की कमी। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक एग्जैक्ट सही डायरेक्शन में वो मेहनत हो रही है या नहीं हो रही, ये हमें पता नहीं होता। और कई बार हमारे अंदर कमी होती है, लेकिन वो कमी हमें पता नहीं होती कि हमें हमारे अंदर कमी कहाँ है। वो कमी पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे अंदर कमी कहाँ पे है ना? मैंने हेलो सर, हाँ जी सर मैंने पहले आपकी वीडियो को देखा और फिर बाद में आपने जो नोट दिए थे उसे एक कॉपी में लिख लिया और उसे बहुत अच्छी तरह से समझ लिया और फिर आप बार बार कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। तो मैं ऐसे एक दिन देखा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं, जितने भी मुझे मिले 2007 से अभी तक, सारा का सारा एक तो प्रैक्टिस किया और रट्टा मार लिया सर। यस यस सर, पहले मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था पूरा का पूरा और जब रट्टा भी मार लिया बहुत मदद मिली और इस बार भी मेरा शायद 29 के आसपास था फर्स्ट पेपर में। ये सर बहुत अच्छे सर, 29 तो ठीक है सर। और वैसे और दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जीआरएफ क्वालिफाई करना है तो 30+ आपके क्वेश्चन राइट होने ही होने चाहिए पेपर फर्स्ट के जी अंदर। सर जी, और एक और चीज़ है सर, जैसे आपने सब्जेक्ट बताया आपका हिंदी है, हिंदी में मैंने देखा हिंदी सर सर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है सर हिंदी के अंदर। जीआरएफ की बात हाँ करें सर तो बहुत ज्यादा जीआरएफ में तो सर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप जी सर। हिंदी के जो स्टूडेंट अपने स्पेशल, उनके लिए आप क्या कहना हाँ चाहेंगे? सर मैं पहले ये कहना चाहूँ, जितने भी हमारे हिंदी का सिलेबस है उससे पहले अच्छी तरह से समझ ले, सिलेबस को समझ ले, फिर बाद में रट्टा मारे या समझ के पढ़े जो भी करना है करे और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस बहुत सारे करे सर। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो यानी या कोई गाइड के जो यूनिट लास्ट में दिए होते हैं क्वेश्चन पैटर्न, उसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करे। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस करके छोड़ दे, उसे हो सके तो रट्टा मार ले।
यस सर। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे जी आ रही सर है सर, जैसे आपने प्रैक्टिस की बात की कि ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने चाहिए, जी सर काफ़ी काफ़ी दोस्तों को मैंने देखा है। कल एक मैं बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट से बात हो रही थी तो वो 2017 से तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे जब मैंने पूछा कि जी सर ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर कितनी बार किए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने 3 बार किए हैं ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर। तो सर मान लो उन्होंने अभी तक 3 बार किए, 2017 से लेके अब तक, तो मुझे लगता है 3 बार ज्यादा नहीं है। तो आपके हिसाब से ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर हमें कितना करना चाहिए और किस हिसाब से हमें उनको करना चाहिए? मैंने इस हिसाब से कहा, जब तक मेरा जो 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन राइट नहीं हो जाते, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा। यस यस सर। हाँ, और उसी हिसाब से मैंने क्या, शायद 7 या 8 बार मैंने प्रैक्टिस किया था सर। यस यस यस, ये देख लीजिए, सभी दोस्तों को मैं बोल रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि 7 से 8 बार इन्होंने ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर किए थे। और रियली मैं आपको भी बता रहा हूँ, आप में से बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो 2 बार ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए और वो सोच रहे कि हाँ हमने ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए। 2 बार में तो भैया पता भी नहीं चलता क्वेश्चन क्या है, वो समझ में नहीं आता 2 बार में। तो अगर आपको जी जीआरएफ सर चाहिए ना, अगर रियली में जीआरएफ चाहिए, तो भैया आपको कम से कम बता रहा हूँ 4 से 5 बार आपके ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर होने ही होने चाहिए हर हालात में। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट 2021 एग्जाम में निमिज नेट के साथ में 14 दोस्तों ने जीआरएफ क्वालिफाई किया है और 65 दोस्तों का नेट क्वालिफाई हुआ है। अब आप भी हमारे साथ जुड़ के बहुत अच्छे से तैयारी करके आप अपना नेट और जीआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी 12 मार्च से हमारा जून 2022 के लिए न्यू बैच शुरू हो रहा है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी कॉस्ट दोस्तों बहुत ही नाम मात्र है, 6 महीने की स्टडी आप केवल 600 रुपये में कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआरएफ चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर 1 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर 2 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेके 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर 4 पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके हैं वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर 5 पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो GRF है। सर, मैंने बहुत लोगों को, ऐसे लोगों को देखा है कि वो लोग प्रैक्टिस इस तरह करते हैं कि जो भूल हो गया है, जो रॉन्ग है हो गया है, उसे नहीं सुधारते, बस वैसे ही चलते जाते, खत्म कर देते हैं। उनका मकसद रहता है कि कंप्लीट करो, ना कि पढ़ो। यस 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 यस, बिल्कुल सही कह रहे इसी हैं। वजह से बहुत लोगों का नहीं होता है। आप चाहे दिन के अंदर 15 क्वेश्चन करो, लेकिन वो 15 क्वेश्चन हाँ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आने चाहिए। जी सर, 15 नहीं सर, 5 भी करो, लेकिन वो अच्छी तरह से आए, चाहे जैसे भी घुमा फिरा के पूछे ना, वो सही होना चाहिए। यस यस यस, हर एक क्वेश्चन का जी आपको सर पता होना चाहिए भी, इसमें अगर एक्शन रिसर्च हाँ आंसर आया तो एक्शन रिसर्च क्यों आया है वो रीजन पता होना हाँ चाहिए। आपने ये नहीं है कि हाँ देख और किस लिया। तरह से, हाँ और किस तरह से क्वेश्चन आने चाहिए, यानी खुद से भी बनाना चाहिए सर क्वेश्चन, कि ये हो सकता है, ये यस नहीं। जी यस 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 सर और मैं सभी दोस्तों को एक और अच्छी खुशखबरी ये बता देता हूँ कि हमारे पास 2012 से लेके 2020 तक, अभी 2021 के भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनके टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चन किए हुए हैं, जैसे रिसर्च के, टीचिंग के, कम्युनिकेशन के, तो वो आपको मिल जाएंगे। और पेपर सेकंड भी आपको मिल जाएंगे विद आंसर की, दोनों का लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जी। और इसमें जैसे पेपर सेकंड की हम बात करें सर, तो इसमें जी कौन सर सी बुक्स पढ़नी चाहिए सर, पेपर सेकंड के लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? सर हमारे सिलेबस में इतने सारे दिए हैं कि अगर हम टेक्स्ट पढ़े, मूल पाठ पढ़े, तो बहुत समय लग सकता है सर। जैसे यस सर। हमारे सिलेबस में उपन्यास, कहानी, नाटक, ऐसा कुछ बहुत कुछ है सर। अगर कोई बच्चा, अगर वो मूल पाठ पढ़ेगा, तो उसे कम से कम 1.5 या 2 साल लग जाएंगे। यस सर। तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो जो सारांश या व्याख्या कुछ कुछ पढ़ते हैं, सही तरह से पढ़ो, यस सर। और
अगर हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से रामचंद्र शुक्ल का एक किताब है, अगर वो अच्छे तरह से समझ लेंगे ना, अच्छे तरह से हो जाएगा सर। यस सर जी सर, जी, बहुत अच्छा बताया सर आपने। और इसके अलावा जैसे हम बात करें कि जो दोस्त अभी डीमोटिवेट हो गए हैं, काफ़ी हिंदी के अंदर भी मेरे कई दोस्त हैं जो डीमोटिवेट हो गए हैं, और भी काफ़ी सब्जेक्ट से हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या करना सर चाहिए वो जो डीमोटिवेट हो गए उनके लिए? सर, मैं भी ऐसा ही हो गया था। लास्ट बार मैं भी ऐसा ही हो गया था। 2020 का एग्जाम दिया और मेरा कुछ नहीं हुआ था सर, नेट भी नहीं हुआ था, तो मैं 3 या 4 महीने तो किसी से बात भी नहीं की सर, यस सर इतना हो गया। फिर मैंने अपना अब बुक को ही दोस्त माना और उसी दिन से पढ़ता ही गया, कहीं गया नहीं, घूमने भी नहीं गया, कुछ दोस्तों से मिला भी नहीं, अच्छे से पढ़ लिया। जो भी चीजें नया नया आता था मेरे सामने उसे इस तरह से पढ़ता था, दोबारा आए ना तो उसको खत्म कर दो। और जो भी विषय से कोई अगर प्रश्न पूछेगा तो उसका आंसर 1 या 2 लाइन में नहीं, पूरा 5 या 6 लाइन में देने की कोशिश कर रहा था। यस सर और जी आपके सर, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा सर, जब आप 2-3 बार फेल हुए तो आपके जी सर, बहुत बुरा लगा। घर वालों ने, हाँ, यार मेरे दोस्तों दोस्त ने, लोगों का, रिश्तेदारों ने हाँ बोला होगा आपको कि ये तो कुछ नहीं कर सकता और तेरा हाँ जी कुछ नहीं सर, हो सकता। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं सर। यस 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 तो सर उस डिप्रेशन को हमें कैसे हैंडल करना चाहिए? सर, जो डिप्रेशन, जो गुस्सा आता है ना, उसे बुक में हैंडल करना चाहिए, बुक में निकालना चाहिए सर, जो किताबें हैं। हाँ, और अगर मैं कोई भी, सुनिए सर, अगर कोई भी किताब देखे तो उसे किताब की नजरे में नहीं देखिए, यही मुझे नया दिया जरब दे सकता है, इसी नजरिया से देखना चाहिए सर। यस 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 सर, और मैं सभी जो हमारे दर्शक हैं उनके माता पिता भाई बहन को भी मैं कहना चाहूँगा, रिश्तेदारों को भी कहना चाहूँगा, यार प्लीज़ अपने बच्चों को ऐसे टॉर्चर मत कीजिए। ये परीक्षा है, परीक्षा में दो ही चीज़ें होती है, या फेल या पास होती है, ठीक है? तो कोई नहीं यार, हमारे कहीं पे कमी रह जाती है बच्चे के अंदर, तो आप हमें उतना डिप्रेशन नहीं देना चाहिए उसको, ये नहीं कहना चाहिए तो नहीं कर सकता, ये है वो है, ऐसे ऐसे मैंने बहुत से देखे हैं सर कि जी सर, जिनको यार दोस्त कहते हैं तो उस वजह से वो बेचारे मेहनत करनी छोड़ देते हैं, रियली में वो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, और कईयों ने तो हमने देखा है बड़े बड़े एग्जाम में सुसाइड तक कर लेते हैं इस वजह से। तो सभी मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। हालांकि मेरे साथ भी, हमें वो कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी, तो मेरे साथ भी ऐसा होया हुआ है, मैं भी 2 बार एग्जाम में फेल हुआ था यूजीसी नेट में, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, डिप्रेशन होने लग गया था, जो यार दोस्त वो कहने लग गए थे ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों को अच्छे से मोटिवेट कीजिए, डीमोटिवेट मत कीजिए, आप मोटिवेट कीजिए, अगर आप साथ है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जी सर, जी सर, तो और इसके अलावा कोई आप कहना चाहते हैं बात तो आप बता सकते हैं सर। कोशिश करना नहीं छोड़ना नहीं चाहिए सर, चाहे जो भी हो। यस यस सर जी जी, सर, ठीक तो चलो ठीक है सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा है सर, सर। और सभी जी सर, दोस्तों को धन्यवाद। मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, सभी दोस्तों को हमने ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर बना रखे हैं, टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे, रिसर्च, टीचिंग, कम्युनिकेशन, सभी के टॉपिक वाइज वो आपको नीचे मिल जाएंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और प्लस में आपको पेपर सेकंड भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में हमें सवाल जवाब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अगर आपको नेट और जीएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर 1 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर 2 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर 4 पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके हैं वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर 5 पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।